नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एकटू की रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो रिजल्ट है फेज वन फेज टू दोनों के जो किसी मतलब दोनों फेज के रिजल्ट के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ। तो आप अगर फेज वन के चाहे बी टेक के छात्र हो, चाहे बी फार्मा के हो, चाहे आप एम फार्मा, चाहे आप एम टेक, एम सी ए, बी सी ए, चाहे बैचलर ऑफ वोकेबलरी, आप किसी भी कोर्स के छात्र छात्र हो, चाहे फेज वन के हो, चाहे फेज टू के हो, तो आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी एकेडमी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों और आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखो बात करते हैं एकेडमी के फर्स्ट फेज के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, देखो एकेडमी के जो फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है, एकेडमी के जो फर्स्ट फेज के जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको एग्ज़ाम को हुए अभी बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी तक रिजल्ट की कोई पता नहीं है, ना ही फर्स्ट मतलब थर्ड ईयर के रिजल्ट का पता है, ना ही फोर्थ ईयर के रिजल्ट का पता है। ठीक है, एकेडमी ने अभी ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट जारी की है। बस एक अपडेट ये आई थी कुछ दिन पहले कि रिजल्ट क्यों लेट है। तो रिजल्ट लेट होने के दो चांस थे, फेज वन के दो कारण है। एक तो G20 सम्मेलन, क्योंकि जब G20 सम्मेलन था तब आपकी कॉपीज को चेक होना था, लेकिन जो आपके टीचर्स, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरार हैं, उनकी जो भी आपकी कॉपी चेक वगैरह करते हैं, तो उन सबकी ड्यूटी G20 सम्मेलन में लगी थी। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो कॉपीज हैं वो चेक उस टाइम नहीं हो पाई थी। दूसरा कारण ये है कि जब रिजल्ट जो जब आपकी कॉपीज को चेक होना था, जब रिजल्ट आना था, ठीक है, तभी साथ ही साथ सेकेंड फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सेकेंड फेज के एग्ज़ाम पे स्टार्ट होने से फर्स्ट फेज की जो भी कॉपीज हैं उन पर इफेक्ट पड़ा, उनके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर थे उनकी ड्यूटी सेकेंड फेज के जो एग्ज़ाम है उनको कराने में लग गई, तो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम इसलिए डिले हो गया। अब बात ये निकल के आ रही है, फर्स्ट फेज का जो भी रिजल्ट है वो लगभग एक वीक के अंदर जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक वीक के अंदर आप कुछ भी हो सकता है, एक वीक के अंदर किसी चीज़ का भी रिजल्ट आ सकता है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आज अगर बीटेक का फोर्थ ईयर का भी रिजल्ट आ सकता है, या थर्ड ईयर का भी रिजल्ट आ सकता है, या फिर एम फार्मा के लास्ट ईयर का रिजल्ट आ सकता है। मतलब फेज वन के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिसने एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। एक वीक के अंदर सारे रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, मतलब 20 तारीख तक आपके एकेडमी के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक दो दिन में ही रिजल्ट फेज वन के स्टार्ट हो जाएंगे आना। ठीक है, क्योंकि कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, आपके मार्क्स की फीडिंग हो गई है, बस रिजल्ट आना ही बाकी है। ठीक है, तो 20 तारीख तक आपके सारे रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे आना फर्स्ट फेज के। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड फेज के एग्जाम की। तो देखो सेकंड फेज का जो रिजल्ट है, ठीक है, उसको डिले होने का कारण एक है, उसके डिले होने का कारण यह है कि जो फर्स्ट फेज की जो कॉपीज रह गई थी, जो रिजल्ट रह गया था, तो सेकंड फेज की जो कॉपीज को उनको ना ध्यान में रखकर फर्स्ट फेज के एग्जाम के रिजल्ट को प्रायोरिटी दी गई थी। तो इस चक्कर में फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है उसको लाने के चक्कर में सेकंड फेज का जो रिजल्ट का काम है वो डिले हो गया है। ठीक है, तो सेकंड फेज का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा, वो मई के अगले वीक के फर्स्ट वीक के आसपास आने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले रिजल्ट फर्स्ट सेकंड फेज का नहीं आ रहा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।